जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कहर से महाराष्ट्र राज्य बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन में ढिलाई देने पर अब दिहाड़ी मजदूर व अन्य लोग महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर पहुंचकर अपने अपने जिलों में पहुंच रहे हैं और वह भी बिना टेस्टिंग के, जिससे छत्तीसगढ़ में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ सकता है। बिना मेडिकल जाँच के ही प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में भी मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया गया है, लेकिन महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले मजदूरों का यहां भी मेडिकल चेकअप नहीं किया जा रहा है। लगातार हमारे रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। राजनांदगांव कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन में राज्यों की सीमा सील किए जाने के दावे की पोल अंतर्राज्य सीमा पर खुल रही है। लॉकडाउन के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य बिना मेडिकल चेकअप के जाने की छूट नहीं है, फिर भी राजनांदगांव में प्रशासन राज्य की सीमा सील करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। इसके चलते देश भर में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या वाले राज्य महाराष्ट्र से पैदल चलकर मजदूर राज्य की सीमा में दाखिल हो रहे हैं और उन्हें बिना चेकअप के ही आने दे दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा से आने वाले इन मजदूरों को रोककर कोई पूछने वाला भी नहीं है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा से आने वाले मजदूरों को रोककर कोई यह भी पूछने को तैयार नहीं है कि किस इलाके से आ रहे हैं और उनका मेडिकल चेकअप हुआ है या नहीं। सबसे गंभीर बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में भी मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया गया है, लेकिन महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले मजदूर का यहां भी मेडिकल चेकअप नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मजदूर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, हैदराबाद व अन्य राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं। केवल राजनांदगांव जिले की बात करें तो तकरीबन 15,000 के करीब मजदूर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में मजदूरी के लिए जाते हैं। देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के बाद अब वे भी अपने घर लौटने लगे हैं, लेकिन लौटने वाले इन मजदूरों का मेडिकल चेकअप नहीं किया जा रहा है। इस बात की खबर मिलते ही रिपोर्टर की टीम ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा चांद सूरज गांव पर पहुंची, जहां मौके पर टीम ने पाया कि राजनांदगांव जिला प्रशासन के दावे केवल दावे हैं। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर तैनात अधिकारी सिर्फ की जा रही गाड़ियों की एंट्री कर रहे हैं। ग्राम पंचायत बागनदी बाग जो कि नेशनल हाईवे में दो कैंप लगाए गए हैं, एक बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण को चेक करने के लिए, तो दूसरा एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली गाड़ियों के चालक के नाम और नंबर व्यवस्थित रखने के लिए। यहाँ पर पहुँचते ही टीम ने जब जायजा लिया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर जंगलों से होते हुए आखिर जो मजदूर पैदल चलकर महाराष्ट्र की सीमा से छत्तीसगढ़ में दाखिल हो रहे हैं, उन्हें हेल्थ कैंप में क्यों नहीं ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में महाराष्ट्र और हैदराबाद से पैदल चलकर मजदूर आसानी से छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। संक्रमित हुए तो खड़ी होगी छत्तीसगढ़ के लिए नई मुश्किल। देश भर में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है और यहां राजनांदगांव जिले के तकरीबन 15,000 मजदूर हैं जो मजदूरी करने के लिए जाते हैं और वे लगातार पैदल चलकर छत्तीसगढ़ वापस लौट रहे हैं। रिपोर्टर ने पैदल आ रहे ऐसे मजदूर परिवारों से चर्चा की तो पता चला कि उन्हें किसी ने राज्य में प्रवेश से नहीं रोका है और वे अब अपने निवास स्थान की ओर पैदल चलकर जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बिना मेडिकल चेकअप के राज्य में प्रवेश करने वाले मजदूर कभी भी राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं। वे सीधे अलग अलग गाँव में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। बहरहाल लगातार पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से मजदूरों का पैदल चलकर छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल होने का क्रम जारी है। ना तो जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही पुलिस की इन पर निगरानी है। जो हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, तेलंगाना से लोग पैदल चल के आ रहे हैं और वो दूसरे स्टेट तरफ भी जा रहे हैं, और महाराष्ट्र से बॉर्डर होते हुए आ रहे हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि उनकी जाँच की जाए और उनको सकुशल के घर पहुंचाया जाए और घर पहुंचा के उनको 14 दिन की घर में रखा जाए, उनके अपने रूम में 14 दिन रखा जाए। ये भी इस प्रशासन से रिक्वेस्ट है, निवेदन है। छत्तीसगढ़ आने के लिए पैदल आ रहे हैं, कब से निकले? सामानी खाने के लिए गए थे, एक हफ्ता हो गया हम लोग को, तो रास्ते में खाना पीना दे रहे हैं, ऐसे बात नहीं। कौन से गाँव जा रहे हैं? अभी कोपेनावा गाँव जा रहे हैं हम लोग। कब से निकले? 4 दिन हो गए। कहीं जांच हुआ क्या? जांच तो नहीं हुई जी। कहाँ से आए? हैदराबाद से डोंगरगढ़ तक पहुंचे आप? कहीं पर चेक नहीं किए? नहीं, चेक नहीं।
कहाँ वहाँ पर कहाँ काम कर रहे थे हैदराबाद में? आरसीआई सुल्तानपुर बेटी कंपनी क्या बनता हूँ जब यहाँ रात भर खाना पीना दे रहा हूँ खाओ पियो अब अन्हारे देखते हैं व्यवस्था करते हैं तुम लोग के सुबह भेज दिया जाएगा। कहाँ से आओ कहाँ से निकले हो पैदल? मोदा से, मोदा नागपुर मोदा से। हाँ, और कहाँ जा रहे हो? तो अभी जाऊंगा हम झारखंड। हाँ, हम लोग का घर पड़ जाएगा पाटन थाना। हाँ, केल्हार और प्लस मोहलिया हमें ना नाम पड़ जाएगा सत्येंद्र प्रजापति अपना नाम नहीं। बस 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 ठीक है।